नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम को अपना 10वां मुकाबला जो है कल केकेआर के खिलाफ खेलना है। ऐसे में इस मैच से पहले दोस्तों आरसीबी टीम के 6 सबसे बड़ी ताकत के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आगे। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे इस वीडियो में मैं एक एक प्लेयर के बारे में एनालाइज करने वाला हूँ। तो भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक आरसीबी टीम से जुड़ी हुई पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं एक ग्रेट क्रिकेट स्टेट्स वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है क्रिकेटपीडिया। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख पाओगे कि क्रिकेट स्कोर जो बहुत ही अमेजिंग है इस वेबसाइट में। इस वेबसाइट पर आप जान सकते हो सभी क्रिकेटर्स के सभी स्टेट्स के बारे में, इसके साथ ही मैच के बारे में। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सर्च बार में जाना है। वहां पर जाकर सर्च करने के बाद आप फाइंड कर पाओगे क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, सपोज आज IPL 2020 में दिल्ली बनाम पंजाब के बीच में मुकाबला होने वाला है, तो ऐसे में KL राहुल वर्सेस श्रेयस अय्यर के स्टैट्स क्या है, इसके साथ ही दोस्तों KL राहुल बनाम कगिसो रबाडा के स्टैट्स क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, लेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करें आरसीबी टीम की, तो आरसीबी टीम ने इस सीजन जो है 9 मैचेस खेल चुकी है, 9 में से 6 में जीत मिली है, जबकि 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम ने इस सीजन जो है शानदार शुरुआत की है और फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मैचेस में भी आरसीबी टीम ऐसा ही करती रहेगी और प्लेऑफ में जगह जरूर बनाएगी। इसके अलावा दोस्तों, IPL 2020 की शुरुआत होने से पहले जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीबी टीम जो है इस सीजन UAE में IPL होने वाला है, इसलिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, तो वही हुआ है। आरसीबी टीम ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, अब बिना वक्त जाए कि बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से 6 खिलाड़ी हैं जो आरसीबी टीम के लिए इस सीजन बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। दोस्तों, पहले बात करें बल्लेबाजों की, तो बल्लेबाजों में यहाँ पर 3 नाम आते हैं। पहला है विराट कोहली, दूसरा है एबी डिविलियर्स और तीसरा है देवदत्त पड्डीकल। ये तीनों ही बल्लेबाज जो है आरसीबी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं अभी तक, 347 रन। इसके बाद पड्डीकल ने 296 रन और डिविलियर्स ने 285 रन बनाए हैं। दोस्तों, तीनों ही बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेली अपनी टीम के लिए। विराट कोहली पहले 3 मैचों में फॉर्म में नहीं थे, मगर उन्होंने बाद में फॉर्म में वापसी कर ली है और अब शानदार लय में नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों, पड्डीकल ने अच्छी शुरुआत की थी आरसीबी टीम के लिए, मगर दोस्तों अब थोड़ा सा उनका लय खत्म हो गया है। इसी वजह से सभी फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि पड्डीकल एक बार फिर से जो है आरसीबी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं और बड़ी बड़ी पारियां खेलें। डिविलियर्स तो कमाल के फॉर्म में है, पिछले 2 या 3 मैचेस उन्होंने खुद ही जिताए हैं, अपनी बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने एक तरफा मैच को बना दिया है। वहीं दोस्तों, केकेआर के खिलाफ भी डिविलियर्स के फैंस जो है उनसे एक अच्छी पारी देखने की उम्मीद करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, बात करें गेंदबाजों की, तो गेंदबाजों में यहाँ पर 3 नाम आते हैं, चहल, मॉरिस और इजरुदाना। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही गेंदबाज जो है आरसीबी टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। चहल ने जहाँ से ज़्यादा विकेट लिए हैं, कुल विकेट उनके नाम 13 विकेट्स हैं। वहीं दोस्तों, मॉरिस ने भी कम मैचेस खेले हैं, मगर उन्होंने विकेट्स जो है 9 हासिल किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इजरुदाना ने भी यहाँ पर 7 विकेट्स हासिल किए हैं। ऐसे में दोस्तों, ये तीनों ही गेंदबाज जो है आरसीबी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है। इनके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी एक ऐसे गेंदबाज है जो कि पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते चले आ रहे हैं। विराट कोहली उनका इस्तेमाल जो है पावर प्ले में काफ़ी अच्छे से करते हैं। इसके लिए दोस्तों, सुंदर भी जो है महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आरसीबी टीम के लिए, खासकर पावर प्ले के ओवर्स में। वहीं दोस्तों, गेंदबाजों में क्रिस मॉरिस की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अभी तक कुल 96 गेंदें फेंकी है इस टूर्नामेंट में और उनमें से 48 गेंदें डॉट फेंकी है। जी हाँ दोस्तों, 48 गेंदें डॉट फेंकना एक गेंदबाज के लिहाज से बहुत बड़ी बात होती है, वो भी T20 क्रिकेट में। इसी वजह से दोस्तों, मॉरिस जो है वो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरसीबी टीम के लिए। वहीं दोस्तों, बात करें सुंदर की, तो सुंदर ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 29 ओवर किए हैं, जिसमें उन्होंने 5.89 की शानदार इकोनॉमी रेट के साथ 5 विकेट्स हासिल किए हैं। सुंदर ने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, खासकर पावर प्लेस में। इसके बाद दोस्तों, चहल जो है उनकी क्या बात करें, वो तो हर मैच में अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं और अपने स्पेल से आरसीबी टीम को मैचेस भी जिताते हैं। इसी वजह से दोस्तों, ये सभी खिलाड़ी जो है आरसीबी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, खासकर इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।